वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज देखिए हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क से जो पिछले लेक्चर पर हमने दिया था, और ये लेक्चर चल रहा है जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आपका चैप्टर सेकंड है और यह लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है हम डिस्कस करेंगे, उसको लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम जो है कल दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो उसका पहला क्वेश्चन किस तरह से हम लगाएंगे इस चीज को देखिए, और आपको लगाए होंगे उसको आप मिला लीजिए कि क्या आपका सही है या नहीं, और क्या अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो क्या प्रॉब्लम था उसको भी आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात है ई पावर एक्स कॉट ई पावर एक्स डी एक्स है, और यहां पर हम क्या करेंगे, लेट ई पावर एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन में कॉट थीटा होना चाहिए, यानी कि एंगल होना चाहिए ना, तो कोई भी यहाँ पर e पर पावर x के जगह पर कोई भी जो है वेरिएबल आप मान सकते हो, t भी मान सकते हो, क्योंकि cot t हो जाएगा, तो cot थीटा ही निकलो, यानी कि थीटा ही मान लो इसे, तो आराम से ये जो है थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको थीटा में इसे कन्वर्ट कर लोगे एंगल को। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे e पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा। अब जो है इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि e पर पावर x और dx दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा cot थीटा और d थीटा, e पर पावर x dx d थीटा होगा, और cot थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sin थीटा, log sin थीटा और प्लस c हो जाएगा। अब साइन थीटा यानी कि थीटा के जगह पर क्या आप माने हो, ई पर पावर एक्स माने हो, आप वैल्यू रख दो यहां पर, तो लॉग क्या हो जाएगा, साइन ई पर पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी। आप देखो कितनी आसानी से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि कॉस थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग साइन थीटा होता है, तो आप आसानी से आपने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपने वैल्यू ई पर पावर एक्स जो माना था थीटा, तो थीटा के जगह पर ई पर पावर एक्स लिख दिए और यह आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस होमवर्क को किए होंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का ले लेते हैं।